बच्चे को देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देखें इसकी जो टेल है ना, टेल भी ब्राउन कलर की आना स्टार्ट हो गई माशाल्लाह से भाई, माशाल्लाह से जबरदस्त बच्चा उस तरीके से ये पाल नहीं पाया जिस तरीके से इनको पालना चाहिए था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से ये है कि हम वही अंडे वंडे के चक्कर में इनको दाने खिलाना छोड़ दो। वाह भाई ये भी अजीब सा सीन होता हुआ दिख रहा है। वाला जो बच्चा है ना कल्दू का, इसको हटाया हुआ, इसका थोड़ा पेट भरा हुआ था तो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने काफी टाइम पहले जो है ना फिर दाना डाला था इसके अंदर। मुझे ये कह रही हूँ कि मैं इनके बॉक्स में घुस रहा हूँ, तो हम यहाँ से हटते हैं ताकि अपने बॉक्स की तरफ आए और अपने बच्चों की थोड़ी सी केयर करें। ये करनी है भैया आज तो माशाल्लाह से हवा भी इतनी चल रही है ना दोस्तों, मौसम तो गर्म हो गया लेकिन हवा बहुत टाइट चल रही है भाई, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत होंगे, खुश हो रहे होंगे, अपने भाई को दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे। तो भाई दोस्तों रोज की तरह हमारे कल्दू में की वही अपडेट है, बच्चा हमने एक हटाया हुआ है और दूसरा बड़ा वाला बच्चा देखें ये रहा। ये रहा भाई तुम लोग क्या चाह रहे हो दोस्तों, क्या चाह रहे हो? शहजादा शहजादी के बच्चों की तरफ, जो कि किसके लकड़ के बच्चे हैं भाई वो। तो भाई देखें शहजादा शहजादी जो है, शहजादा साहब तो देखें ये भूख में मजे ले रहे हैं, शहजादा साहब भूख में मजे ले रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए तो शहजादी साहिबा भी देखें ये देखें आप देख रहे हैं इन दोनों की हरकतें, तो देखें कि भाई बच्चों को छोड़ छाड़ के ये इधर बैठे हुए हैं क्योंकि धूप का टाइम है, धूप तो मस्तियां ले रहे हैं, तो चलिए इनके बच्चों को देखते हैं। तो दोस्तों इनके बच्चों पे भी धूप आ रही है माशाल्लाह से भाई, देख रहे हैं आप, अभी देख रहा हूँ, अब मैं आगे बैठा हूँ ना तो इनको याद आ जाएगा कि इधर भी आना है, तो माशाल्लाह से देख सकते हैं दोनों बच्चे हेल्दी हैं और इनकी बहुत अच्छी खासियत ये है कि देखें फर्स्ट ब्रीड में ही ना खाना खिला के रखा हुआ इन्होंने दोनों का, इसे बाहर निकाल के देखते हैं कि भाई है क्या इनसे पहले आ रहे हैं नीचे। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, बच्चे को देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देखें इसकी जो टेल है ना, टेल भी ब्राउन कलर की आना स्टार्ट हो गई माशाल्लाह से भाई, माशाल्लाह से जबरदस्त हो गया। ये अभी बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे से मुराद अभी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है माशाल्लाह, लेकिन क्यूट निकल रहे हैं। अच्छा व्हाइट पर इनके आने स्टार्ट होगा, टेल जो है ब्राउन, इस वाले की ब्राउन और इसकी भी देखें ब्राउन, तुम दिखाओ अपनी भाई माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसकी टेल भी जो है ब्राउन आना स्टार्ट है और बच्चे ये अभी छोटे हैं थोड़े, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से हैं क्यूट भाई। तो भाई सीन ये है कि ये जो बच्चे हैं ये हैं हमारे शहजादा शहजादी के, मतलब कहने का मतलब कि पाल शहजादा शहजादी रहे, लेकिन ये जो बच्चे हैं मतलब इनकी जो ब्लड लाइन है ये हैं तो लगा रेड टेल, जो निकलेंगे ये रेड टेल निकलेंगे भाई माशाल्लाह से, आप देख भी सकते हैं इसकी तो देखें टेल कितनी वाजे दिखना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ये बड़ा भी है उससे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया ये थोड़ा सा बड़ा है। तो भाई आप देख सकते हैं कि इनकी टेल वेल निकलना स्टार्ट हुई, हमारे लक्का कबूतर के बच्चे निकल रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, और माशाल्लाह हेल्दी निकल रहे हैं, दुआ ये करनी। और देखिए इत्तेफाक की बात ये कि जिस जगह ये बैठे हैं ना यहाँ पे धूप आ रही है तो माशाल्लाह से इनको धूप वूप सब मिल रही है, कहने का मतलब ये है कि भाई इनको हर चीज़ अवेलेबल है, इनको धूप भी मिल रही है, इनको दाना भी मिल रहा है माशाल्लाह से, बहुत क्यूट लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं। ये थोड़ा छोटा है भाई, ये थोड़ा छोटा है, अब इसमें ये बड़े मसले हैं दोस्तों, ये भी छोटा है ये बड़ा है, अब इनको दाना ये प्रॉपर खिलाना चाहिए भाई, क्योंकि ये तो इनकी तो है भी फर्स्ट ब्रीड, तो छोटे को भी दाना प्रॉपर खिलाना चाहिए, तो इनको दाना भी डालते हैं भाई, ताकि मैं तो खैर जब भी आता हूँ ना तो बच्चों वाले में थोड़ा थोड़ा दाना डालता हूँ, जो कि सही है भी नहीं, लेकिन ये कि बच्चों की वजह से डालना पड़ता है। तो भाई माशाल्लाह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो शहजादा शहजादी हैं फिलहाल उन्होंने बच्चे अच्छे पाले हैं, ये देखें ये दोनों ये रहे, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये देखें भाई दोनों ये रहे, पहले शहजादी साहब ऊपर थी लेकिन जब मैं बैठा हूँ ना आप देखें मुझे ही देखे जा रही है, मुझे देखे जा रही हूँ कि मैं इनके बॉक्स में घुस रहा हूँ, तो हम यहाँ से हटते हैं ताकि अपने बॉक्स की तरफ आएँ और अपने बच्चों की थोड़ी सी केयर करें। अच्छी बात भी है, बच्चों की केयर करना ज़रूरी भी होता है, उसकी वजह ये है कि भाई अगर बच्चों की केयर नहीं करेंगे ये तो बच्चे फिर पालेगा कौन, जाहिर सी बात है इन्होंने पालने होते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह से शहजादा शहजादी के जो बच्चे हैं वो बहुत हेल्दी हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो अब दुआ ये करनी है कि भाई ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जैसे अभी पालना है इस तरीके से पालते रहें, क्योंकि आपने देखा हमारा मुखी का एक और बच्चा जो है हमारा मर गया, मुखी की पे पता नहीं क्या हो गया, पहले भी बच्चे निकले दोनों मर गए थे, अब एक मर गया है, दूसरा अभी थोड़ा सा हल्का ही है। बड़ा वाला जो बच्चा है ना कल्दू का, इसको हटाया हुआ, इसका थोड़ा पेट भरा हुआ था तो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले जो है ना फिर दाना डाला था इसके अंदर और उस वाले बच्चे को हटा दिया था। तो भाई अब देख प्यारे को भी आप देख लें माशाल्लाह, और इस बच्चे को भी चेक करते हैं इसकी पोजीशन है क्या। हाँ भाई छोटे अंकल नहीं देखें दाना तो माशाल्लाह से इसके पेट में इन्होंने फुल कर दिया है, लेकिन जहाँ तक बात करूँगा ना तो इसका वजन नहीं बढ़ रहा, मतलब साइज वही का वही है, साइज बढ़ नहीं रहा इसका। आप देखें ना आपके सामने कितने दिन हो गए, हम कितने दिन से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को, तकरीबन डेली नहीं तो हर एक दिन बात तो मैं इनकी वीडियो दिखाई देता हूँ, अब बीच में दो चार दिन का गैप आया था ताकि ये अपडेट रहना कि भाई ये किस तरीके से बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी टांग का थोड़ा सा इशू है, बाकी देखते हैं बड़ा हो जाए तो वो टांग वांग तो देखें दाना खाने लग जाते हैं ना, तो कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया पोलियो टाइप का कुछ इशू हुआ है। देखिए मेल फीमेल दोनों माशाल्लाह से आपके सामने है, इनका लुक आपके सामने है, इनकी क्वालिटी आपके सामने है, इनकी क्लास आपके सामने है, बहुत ही आला है भाई।
बस इस दफा थोड़ी सी हमसे बेध्यानी हुई कि हमने इनके बच्चों को इनको चेक नहीं कर पाए कि भाई इन्होंने बच्चा जो है अपना जो है दूसरा वाला बच्चा उस तरीके से ये पाल नहीं पाया जिस तरीके से इनको पालना चाहिए था। लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो सिंगल वाला बच्चा है इसको हम मतलब सिंगल से मुझे छोटा वाला जो बच्चा है इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, हम उसको हटा देते हैं। लेकिन इसमें ना अभी तो फिलहाल मैं उसको भी ले आऊँ, इसमें होता ये है कि भाई इस देखें फ़र्क देखें, उसका बॉडी देखें, उसका मतलब साइज़ देखें, उसका साइज़ देखें, ये तो माशाल्लाह से फुल चलने फिरने लग गया, इतना बड़ा हो गया है। और इसके पर वगैरह कलर वगैरह आपके सामने कितना क्यूट लग रहा है, आप देखें ये जब इसको रखा है मैंने तो इसके आगे वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाई मैंने वैसे तो छोटे वाले का पेट भर चुका है तो फिर मैंने इसको भी खोल दिया, अब इनमें हम थोड़ा दाना भी डालते हैं ताकि ये दाना वाना खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। पहले दाना डाल के डालता हूँ ताकि आपके सामने थोड़ा दाना खाएंगे। ये देखें भाई दोस्तों, ये हम दाना डाल रहे हैं ताकि ये आके दाना वाना खाएं। देखें मेल फ़ौरन से पहले मेल साहब आ गए और ये फीमेल साहब अभी आ गए। अब एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि भाई दाना डालते ही खाने लग जाते हैं, खिलाते हैं उसको। देखें अब हो सकता है ये तो भाई बेहतरीन है, अगर ये खुद थोड़ा वो दाना खाने लग जाए ना बेहतरीन है यार, माशाल्लाह से। इसको मैं इसीलिए हटा देता हूँ कि भाई ये एक्टिव है, ये मानने भी लग जाता है और ये जिस पोजीशन में आ गया है ना, जिस पोजीशन में आया हुआ दोस्तों, हो सकता है ये दो चार दिन में थोड़ा बहुत दाना इनके साथ खुद खाने लग जाएगा। जब यहाँ कटोरी की तरफ आएगा ना तो बर्ड्स कटोरी के साथ साथ दाना खाने लग जाता है। तो भाई माशाल्लाह से दुआ करिएगा दोस्तों कि हमारे कल दोनों के भाई दोनों बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहें। एक तो हमारा हेल्दी है, एक का ये है कि भाई वाइट वाले का जो छोटा वाला बच्चा है जो कि हालांकि इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में निकल रहा था वो छोटा कि भाई वाइट चोंच लाइट वाइट चोंच उसकी निकल रही थी, बाकी वो तो बड़ा होने के बाद अंदाजा होता है लेकिन बच्चों के हिसाब से कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा हेल्दी था। तो बाकी भाई दोस्तों जो होना है होना तो वही है, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है। और भैया आज तो माशाल्लाह से हवा भी इतनी चल रही है ना दोस्तों, मौसम तो गर्म हो गया लेकिन हवा बहुत टाइट चल रही है भाई, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हवा चल रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि बच्चा आते ही जो है भाई वो तो इनके पीछे लग गया, मुझको भाई दाना दो मुझको दाना दो। और अब देखिए मेल ने पानी पीना स्टार्ट करा है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है पानी के बाद ये इसको दाना वगैरह भी खिलाएगा। हवा बहुत चल रही है। ये देखें भाई माशाल्लाह। अल्लाह ताला भाई इनको खुश रखे, नज़र बच्चे बचा उसको भी देखें, छोटे वाले को भी हुआ कि भाई उसको दाना खिला रहे हैं मुझे क्यों नहीं खिलाएगा। हालांकि देखें ये फ़र्क होता है, बड़े को हटाने का मकसद ये होता है कि बड़ा जो है ना वो छीन के छपट के खा भी लेता है और छोटा जो है ना वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, तो सीन सिर्फ ये है। इसलिए जो है ना हम बड़े को और छोटे को हटा देते हैं कि भाई बड़े को हटाते हैं ताकि छोटे को भी थोड़ा बहुत दाना मिलता रहे। तो ये होता है ये भाई छोटे को भी दाना इस चक्कर में, जिस चलिए छोटे का पेट फुल होता है फिर मैं इसको ले आता हूँ। तो दिन में दो तीन दफ़ा मैंने ये करना होता है कि भाई इसको हटा दिया इसको लिया इसको हटा दिया इसको लिया है, तो आपके सामने ही है भाई माशाल्लाह। कल तो मैं तो भाई जो है इनकी क्वालिटी पर दुआ करिएगा कि भाई हमारा भाई एक ही पेयर है और एक वो बच्चा बड़ा वाला है, तो भाई ये सारे रहे हैं, हमने इनके बहुत सारे पेयर बनाने हैं, पूरी कॉलोनी इंशाल्लाह बनाएंगे इनकी और इनको इनको जो है ना फिर खोलना भी स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने बच्चे को खोल तो मतलब उस वाले केज में शिफ्ट करा है उड़ाने के लिए बाहर खोलने पर बने में, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता है कि नहीं यार अभी तुम कहाँ आ रहे हो चाचा, दिल कहता है कि यार उनको अभी फिलहाल जो है ना जमा करो। अब ये जो बच्चे इन दोनों बच्चों पर डिपेंड करता है, अगर ये दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं मतलब बड़े से मुराद बाहर आ जाते हैं दाना पीना खाने उड़ने पिड़ने लग जाते हैं, 10-15-20 दिन का ये प्रोसेस है, 10-15-20 दिन तो मुझे उससे ज़्यादा इसके पर बांधने हैं। तो देखेंगे अगर ये वाला प्रोसेस चल गया तो फिर हम ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें क्या कहते हैं हमें फिर जो है अगर ये बड़े हो गए तो हम उसको खोलेंगे उड़ाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना भाई दोस्तों कि वो हिल जाए, हिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हिला तो फिर एक पता नहीं हो फिर तो फिर एक हमारे पास कम हो जाएगा। तो ये दोनों अगर हो गए तो हम उसको खोलेंगे, वरना फिर हम देखेंगे कि भाई 10-15 दिन में हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या जहन हमारा कहता है उस हिसाब से चलेंगे। के सामने है दोस्तों ये मेरे कल्दू में और मैं और मेरे कल्दू में माशाल्लाह से भाई बहुत ज़्यादा क्यूट है। दुआ करिएगा कि हमारे साथ रहें और इनकी जो ब्रीड है ना वो बढ़ती चले जाए, इतनी हो जाए कि भाई बस ये कॉलोनी मतलब एक अच्छा सा बड़ा सा मास्टर केज बनाऊँ, उसमें 30-30 ये हों और क्या जबरदस्त लग रहे होंगे दोस्तों, आप सोच सकते हैं भाई। दोस्तों आप लोग जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर देगा और मेरे कल्दुओं के बारे में आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों मेरे कल्दू में जो है कैसे लगते हैं। कल्दू में जो है ना अब वो वैसे भी नस्ल के हिसाब से बहुत कम होते जा रहे हैं मार्केटों में, मुश्किल से मिलते हैं, वो है वैल्यू है वो एक अलग ही होती है। आप देख सकते हो मेल फीमेल आपके सामने है, इसमें अच्छा मेरे पास जो मेल है मेल की जो आंखें वो हल्की सी लाली पर है और फीमेल की जो आंखें वो मैली आंख टाइप की है। तो भाई माशाल्लाह से दोनों की जो है ना क्वालिटी ब्यूटी बहुत ही आला है माशाल्लाह। तो अब दुआ उम्मीद करेंगे दोस्तों कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करें। पहले तो भाई देखें ये एक ब्रीड आ गई, अब हमने इनके बच्चों को कोशिश करनी है इनके बच्चे बड़े होकर ब्रीड करें, वो बहुत फास्ट ब्रीड करेंगे। भाई देखिए ये तो हम बड़ा पेयर लेकर आए थे ना, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि भाई बड़ा पेयर थोड़ा सा ब्रीड कम करने लग जाता है, जैसे एक बच्चा पालता है एक नहीं पालता, तो जो नए यंग जो होते हैं ना वो उनका ही होता है कि वो अपनी तरीके से हर चीज़ अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे ब्रीड करते हैं।
तो भाई माशाल्लाह से दोस्तों कल तो मैं हमारे फुल ऑफ एक्टिव चल रहे हैं आपके सामने। देखे मैंने जो है इनके तो बड़े वाले बच्चे को दोबारा शिफ्ट कर दिया और छोटे वाले बच्चे का इन्होंने पेट फूट चला दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसमें थोड़ी सी खुआारी होती है, बार बार आने जाना पड़ता है, लेकिन उसमें ये जबरदस्ती देखे कि अभी तक अगर हमने ये इनको बार बार शिफ्ट नहीं करा था अब तक छोटा वाला मर भी चुका होता, लेकिन ये कि अभी भी वो इसकी हेल्थ जो है ना ग्रोथ नहीं कर रहा, मतलब उतना का उतना ही बढ़ नहीं पा रहा। हालांकि मैं इसको विटामिन की भी एक दो चीजें दे रहा हूँ, बाकी देखेंगे क्या होता है। दोस्तों उम्मीद तो ये है कि भाई शायद 50-50 चांस है कि बच जाए, क्योंकि उसकी टांग का भी इशू आया है, मैंने ऐसा पोलियो टाइप का उसको हुआ है, बाकी देखेंगे अल्लाह मालिक है। बाकी इसको तो देखें आप, ये तो आता है, इसने जो है ना माहौल बना दिया यहाँ का, तो भाई जबरदस्त भाई। एक चीज देखें, अब इनके बच्चे यहाँ हैं दोनों के, शहजादी के, और इन साहब को देखें कि दोनों वहाँ कोने में जाके पता नहीं क्यों बैठ रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई अंडा देने वहाँ दोबारा चक्कर में हो, तो खैर ये दे दें अंडे तो अच्छा, अच्छी बात है। इनके अंडे फिर हम कमने कौन से अंडे लाए हैं, अभी तो देखें कास्टिंग के अंडे पड़े हैं, अगर ये आजकल में दे देते ना तो कास्टिंग के इनके अंडे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन डॉन और लेकिन शहजादे साहब वहाँ हैं, शहजादी साहबा तो साथ ही खड़ी हैं, तो देखते हैं बाकी बच्चे तो। लेकिन इनके ये रहे, बाकी कल दू में आपको हमने दिखाया है माशाल्लाह से, देख रहे हैं बच्चे लग रहे कितने क्यूट है यार, माशाल्लाह क्यूटी ब्यूटी। बस ये कि इनको दाने खिलाना है तो हमने बदलना है, वही अंडे वंडे के चक्कर में इनको दाने खिलाना छोड़ दो। वाह भाई ये भी अजीब सा सीन होता हुआ दिख रहा है मुझे, खैर मैं इनके अंडे हटाऊंगा अगर दिए भी उन्होंने तो, ताकि 10-15 दिन का इनको गैप मिल जाए। बाकी हमारे कल दो में आपके सामने दोस्तों, माशाल्लाह भाई जबरदस्त। तो भाई दोस्तों आप लोग जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको आज हमने अपने कल दो में दिखाया, हमने आपको अपने शहजादा शहजादी यानी कि लाहौरी शहजादी के कबूतर दिखाए, और उनके नीचे जो बच्चे रखे हुए लगा रेड टेल के हमने आपको वो दिखाए। तो भाई दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपने भाई के दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। चलो फैमिली हमारी पूरी कल दुनी फैमिली, चलो भाई चलो।